सुप्रभात चुतियो। हाँ तो कैसे हो सब लोग? हाँ, पता है 2 हफ्ते बाद वीडियो आए हैं, लेकिन हम भी क्या करें, दिमाग स्लो है यार। स्क्रिप्ट ही नहीं मिल रहा था, कंटेंट ही नहीं मिल रहा था, लेकिन छोड़ो, अब तो वीडियो आ ही गया। तो इंडियन टेलीविजन पे बहुत सारे वाहियात शोज आए और चले गए, जैसे कि दिया और बाती हम, ससुराल सिमर का, और ये वो कौन सा शो था, हाँ वो जिसमें गोपी बहू थी, हाँ वही एग्जैक्टली, साथ निभाना साथिया। लेकिन मानना पड़ेगा उस शो का राइटिंग ना उच्च लेवल है, क्योंकि गोपी बहू ओपी, क्योंकि गोपी बहू ने क्या लैपटॉप धोया है यार, कसम से कह रहा हूँ, किसी ने आज तक बर्तन को उस तरह से नहीं धोया होगा जिस तरह से उन्होंने लैपटॉप धोया है, कसम से ओपी। शो तो अभी भी चल रहा है, वो कौन सा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसका पहला एपिसोड 2009 में आया था। 11 साल से शो चल रहा है, लेकिन उन्हें आज तक नहीं पता कि उनका रिश्ता कहलाता क्या है। लेकिन छोड़ो, हम दूसरे शोज की बिचिंग करने नहीं आए इधर, हम सिर्फ एक शो की बिचिंग करने आए। आप सबको तो पता ही होगा, टाइटल पढ़ के तो आए हो आप लोग। एक अनफनी, एक वाहियात, एक चूतिया, और क्या भी कह सकते हैं, करण जौहर का कॉफी विद करण। और हाँ, इस वीडियो के बाद ना बॉलीवुड में मेरा कोई चांस नहीं, वो तो वैसे भी था नहीं, स्टार किड नहीं हूं ना। नीचे कमेंट सेक्शन में ना सिर्फ विनोद स्पैम होना चाहिए, क्योंकि विनोद आर्मी इज ओपी। लेट्स गो। तो करण जौहर, क्या ही बोलूं उसके बारे में। करण जौहर स्कूल का वो लड़का था जिसको सबके बारे में सब कुछ पता रहता था, कि उसका चक्कर किसके साथ चल रहा है, आज तूने कौन से रंग का चड्डी पहना है। हाँ तो सिर्फ फर्क इतना है कि आज वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी से ऐसे सवाल पूछता है, उसके लिए वो शो भी बनाया है, हाँ वही कॉफी विद करण, जिसमें ओपनली नेशनल टेलीविजन पे पूछता है ऐसे सवाल कि आपका चक्कर किसके साथ चल रहा है, आपने 10 साल पहले किसको पहले किस किया था, आपने आज कौन सा रंग का चड्डी पहना है, बताओ यार, घर पे सब देख रहे हैं तो बताओ, जल्दी से बताओ, उनका मनोरंजन भी इंपॉर्टेंट है, बताओ। सब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नए से लेके पुराने जा चुके हैं उस शो पे, लेकिन जो सेलिब्रिटीज गए ना उनमें भी 3 कैटेगरी के सेलिब्रिटीज हैं। पहले कैटेगरी जो करण जौहर की मारने में ना कोई कसर नहीं छोड़ते, जैसे कि मीरा कपूर हो, ट्विंकल खन्ना हो, कंगना रनौत हो, इमरान हाशमी हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, जिनके रिप्लाई ना इतने सैवेज होते, उसके बाद ना करण जौहर कुछ बोलता नहीं, उसका मुंह ही नहीं खुलता। फिर आते दूसरे टाइप के सेलिब्रिटीज जो कपूर की गोलियां सूंघ के गए बकचोदी करने शो पे, जैसे कि रणवीर सिंह हो, रणबीर कपूर हो, वरुण धवन हो, आलिया भट्ट हो, हाँ वही आलिया भट्ट जिन्हें 2013 में लगा था कि इंडिया का प्रेसिडेंट पृथ्वीराज चौहान है, एग्जैक्टली वही आलिया भट्ट। फिर आते तीसरे कैटेगरी के लोग, आई मीन सेलिब्रिटीज, सॉरी नॉट टू ऑफेंड, उच्च लेवल के सेलिब्रिटीज है तीसरे टाइप के, जिनका सबसे बड़ा स्ट्रगल है कॉफी विद करण में जाने के लिए। आपने तो गेस ही कर लिया होगा अब तक कि कौन है वो, एग्जैक्टली एवर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस अनन्या पांडे, वो मीम ओवररेट हो गया यार, फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। उनका सबसे बड़ा ड्रीम था कॉफी विद करण पे जाने के लिए, क्योंकि उनके पापा को नहीं मिला उस शो पे जाने के लिए। वाह यार, क्या कमिटमेंट है, ड्रीम पूरा हो गया उसका। और के एल राहुल और हार्दिक पांड्या के बारे में क्या ही बोले, बेचारे बैन ही हो गए उस शो के वजह से, और हार्दिक पांड्या ने तो कॉफी पीना भी बंद कर दिया, पुअर चाइल्ड। तो शो का ना मुझे एक बात समझ में नहीं आया, कि कितना भी क्रिंजी सवाल पूछे, सेलिब्रिटीज को कितना भी अनकंफर्टेबल फील हो, लेकिन सारे सवालों का जवाब देना है, वो भी खुशी खुशी से, हाँ, वो तो सही है, क्या सवाल पूछा है तू, और वो भी किसके लिए, एक चूतिया हैम्पर के लिए। भाई तू वो हैम्पर दुकान में खरीद सकते हैं, उतना बकचोदी भी नहीं करना है, लेकिन क्या है, उनका भी मजबूरी है ना, इन सवालों का जवाब नहीं देंगे तो धर्मा प्रोडक्शन के अंडर उन्हें फिल्म नहीं मिलेगा, बैन कर दिया जाएगा, लौड़ा लस्सन सब कुछ हो जाएगा। और उस शो का सबसे बकवास पार्ट था रैपिड फायर राउंड, ओ भाई क्या सवाल, मतलब एकदम जहर सवाल, उतना क्रिंजी सवाल ना किसी ने भी नहीं पूछा होगा। मैं दिखाता हूँ रैपिड फायर उस शो पे कैसा होता है। After 15,000 ads, welcome back to Chai with Chutia with me, your host, Jaran Kohar.
and sitting in front of me is a random celebrity waiting for the rapid fire round to begin. Yes, I'm the random celebrity. Hello, I'm waiting for the rapid fire round to begin. So how are you feeling? Are you feeling confident that you'll win the hamper tonight? Yeah, I'm feeling very, very confident, but where the hell is the hamper, dude? Oh, don't you worry, the hamper is kept inside. We are sure that you will not win it, don't worry. Wait, what do you mean by that? So let's begin. So here's the first question in your rapid fire round. If ever there is a situation that you are having sex and you realize that you woke up in your friend's bedroom, what would you do? Wait, what kind of question is that, dude? The next question is, if you were ever held at gunpoint and the killer gives you a situation that you have to kiss another man, who would you pick? ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, कैसा सवाल है ये, क्या ये, what? So your next question is, who according to you is the hottest of them all? Finally a masala question. What are the options? The iron box or the sun? ये क्या option है यार, मेरे expectation को पहाड़ के ऊपर तक लेकर फिर उधर से फेंक ही दिया तूने, क्या है यार? Okay, so your next question is, which is the one thing that you don't like but you have to pretend that you like? Oh yes, finally a question that I can answer. I know the answer to the question. One thing that I have to pretend to like but don't like. Exactly, your show. And just for that answer, I'm declaring you the loser of this rapid fire round. You don't win the hamper, you don't win anything. Yo, what the hell, dude? I answered that question so well. I deserve the hamper, man. How could you do that? It's my show, bro. What you gonna do about it? And anyways, as Deji Sa says, my rules is my rules, none of your rules. That's gotta be the end of it. अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना. So yeah guys, that's gotta be it for the video. Hope you guys enjoyed it. If you did, please don't forget to hit the like button. And if you're new to the channel, please do hit the subscribe button and press the notification bell so you will get to know when I post next. And guys, yeah, I know the video is a little late, but as I told before, no idea was going in my head. And this video is for entertainment purpose only. Please do not get offended by it. It's just for fun. So yeah, guys. Hope you all stay safe. Until next time, take care. See ya. Bye-bye.